तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम रैंडम वॉक मॉडल को डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मूविंग एवरेज मॉडल, जिसे हम आगे चल के मोस्टली एमए मॉडल कहा करेंगे। सो ये मॉडल क्या है? आपने जैसे देखा कि जो वाईटी था वो प्योरली रैंडम प्रोसेस पर सिर्फ एक्सटी था, ZT था। यहां पर ZT पर रिग्रेस हो रहा है और उसके अलावा ZT-1, ZT-2 अप टू सो ऑन एक खास ऑर्डर तक ZT-Q तक रिग्रेस हो रहा है। यानी अगर आप लेते हैं थीटा नोट ZT, थीटा 1, ZT-1, ये प्लीज ZT-1 है, ZT नहीं है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, थीटा 1, ZT-1 प्लस थीटा 2 ZT-2, यानी अगर T-2 तक रुक गए हैं तो ऑर्डर 2 का मूविंग एवरेज मॉडल है। अगर T-1 तक आप स्टॉप कर रहे हैं तो ये ऑर्डर 1 का मूविंग एवरेज मॉडल है। यानी आप YT को रिग्रेस कर रहे हैं एरर टर्म्स और उसकी पास्ट वैल्यूज पर, और इसका एक खास स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर डेटा के मुताबिक कैसे डिसाइड किया जाता है, कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने आगे पढ़नी है। लेकिन इस वक्त हम ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं कि मूविंग एवरेज मॉडल होता क्या है। सो इसको अगर हम समीशन की फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, आई इज इक्वल टू 0 टू क्यू थीटा आई जेड टी माइनस आई। आई को 0 पुट करेंगे तो ये पहली टर्म बन जाएगी, प्लस 1 पुट करेंगे दूसरी टर्म बन जाएगी, जेड टी माइनस 1, जैसे मैंने कहा यहाँ माइनस 1 मिसिंग है, एंड सो ऑन। सो वी कैन राइट इट मूविंग एवरेज मॉडल लाइक दिस। And one more thing about this model is these thetas are the parameters, right? जैसे आपको मेरे ख्याल बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि जैसे हमारे पास regression model होता है जिसमें हमारे पास, ये तो time series की बात करें, cross sectional data में, तो वहाँ पर a और b यानी alpha beta हमारे पास parameters होते हैं जिनको हम estimate करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास parameters हैं theta naught, theta 1 up to so on, जिस जो भी order है, अगर Q तक है तो theta Q. And what we will be interested in? We will be interested to estimate these parameters through any real life time series data set. So this is a brief introduction about the moving average model. Now as I discussed with you about the purely random process and then mean and variance of the purely random process, then I discussed with you the random walk model and mean and variance of the random walk model. Now I am going to discuss with you the mean and variance of the moving average model. और इसकी बहुत छोटी छोटी सी derivations भी हैं, वो हम देख लेते हैं। So ये आप model की जो form है वो आप अपने mind में रख लें। We are going to use this to find the mean. Mean actually क्या होता है? Expected value. आप apply कर दें इस equation के दोनों तरफ expected value apply कर दें, ये थीटा तो पैरामीटर है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ZT-1 पर अप्लाई हो जाएगी, एंड ZT हो, ZT-1 हो, ZT-2 हो, या ZT-Q हो, या ZT-I हो, ये ZT प्योरली रैंडम प्रोसेस है। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी इसका मीन आपको मैं पहले बता चुका हूं, आज भी रिवाइज करवाया है, इसीलिए वो जीरो है। आप दोबारा पीछे देख लीजिएगा अपने लेक्चर्स में या इन स्लाइड्स में, वीडियो के जो मैंने पहला आपसे शेयर किया है मॉड्यूल, उसमें देख लीजिएगा। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू जब लेंगे तो जीरो हो जाएगा। सो लेट्स हैव अ व्यू ऑन दिस। दिस इज द मॉडल, वी आर गोइंग टू अप्लाई द एक्सपेक्टेड वैल्यू, अप्लाइंग एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड व्हेन वी आर अप्लाइंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू, दीज आर द पैरामीटर्स, कॉन्स्टेंट्स, ये बाहर आ गए, एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएबल पे अप्लाई हुआ और एक्सपेक्टेड वैल्यू इज एट जीरो होगा। सो अल्टीमेटली मीन ऑफ द मूविंग एवरेज मॉडल विल बी जीरो। ओके, वेरिएंस की बात कर लेते हैं। वेरिएंस फाइटी अप्लाई किया, वेरिएंस राइट साइड पे भी अप्लाई हुआ। आपको पता है कि वेरिएंस की प्रॉपर्टी ये है कि इसके साथ जो मौजूद होता है कांस्टेंट, तो वो उसका स्क्वायर बाहर आ जाता है, स्क्वायर बाहर आ गया और वेरिएंस ZT पर अप्लाई हो गया और बाकी टर्म जीरो हो गई, और आप वेरिएंस ऑफ ZT की जगह सिग्मा स्क्वायर Z, जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, प्योरली रैंडम प्रोसेस है, उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर Z होता है, वो पुट कर दिया। सो दिस इज द वेरिएंस ऑफ द मूविंग एवरेज मॉडल।
So these are the mean and the variance of the moving average model. मूविंग एवरेज मॉडल का ऑटो को वेरियंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैं आपसे ऑटो कोरिलेशन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और इनका एक खास रोल है टाइम सीरीज में, टाइम सीरीज मॉडल बिल्डिंग में स्पेसिफिकली, जिसे हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे. तो ऑटो कोरिलेशन या ऑटो को वेरियंस फाइंड सॉरी पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ऑटो को वेरियंस को देखें. सो फाइंड अल्टीमेटली हमें ऑटो को रिलेशन ही करना है. सो उसकी तरफ जाने के लिए हम पहले ऑटो को वेरियंस देख लेते हैं. आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि को वेरियंस हम जनरली क्रॉस सेक्शनल डेटा के लिए टर्म यूज करते हैं और जब हम ऑटो को वेरियंस की बात कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली टाइम सीरीज के केस में को वेरियंस की बात कर रहे होते हैं. और टाइम सीरीज केस में को वेरियंस की बात करने से मुराद ये होती है covariance between the yt and it and between the yt and its lag value. Lag value may be agar covariance hai yt minus 1, so covariance between the first term yt and the yt minus 1. to ise hum yahan par jo aap dekh rahe hain gamma ka sign use hua hai, gamma 1 keh denge. so yahan hum general baat kar rahe hain abhi tak yt माइनस k के लिए, कि कोई भी ऑर्डर है, 1 है, 2 है, 3 लैग है या कोई भी लैग है, k लैग. सो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल जो इसका फॉर्मूला है कोवेरियंस का, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yt माइनस k माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू yt इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू yt, ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है जब भी आप दो वेरिएबल्स के दरमियान कोवेरियंस फाइंड करते हैं. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू yt हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले मूविंग एवरेज मॉडल की, वो जीरो होती है एक्सपेक्टेड yt. सो ये जीरो पुट किया तो ये पूरी टर्म जीरो हो गया. yt हमने अभी पुट कर दी yt की वैल्यू यहाँ पर, जो टाइम सीरीज मॉडल है अभी हमने पहले डिफाइन किया ना, ये देखें yt, ये वैल्यू पुट कर दी yt की. और इस तरह t की जगह t माइनस k यूज कर लें इसी मॉडल में और वो वैल्यू हमने यहाँ पर यूज कर, राइट. ये एक जनरल इक्वेशन या एक्सप्रेशन बन गया हमारे के लिए, हमारे पास रो के का जिसे हम सॉरी गामा के का जिसे हम ऑटो को वेरियंस भी कह सकते हैं. अब अगर मुझे गामा 1 निकालना है यानी ऑर्डर 1 पे ऑटो को वेरियंस निकालना है तो मैं यहां 1 पुट कर देता हूं, अगर मुझे 2 निकालना है तो 2 पुट कर दूंगा. सो लेट्स डू इट. सबसे पहले मैं यहां के 0 पुट कर रहा हूं. देखिए के 0 पुट करने से क्या होना, gamma 0 yt minus 0 yani covariance between yt and yt, covariance between yt and yt is actually the variance. so let's do it. main put karke dekhta hu kya iska answer wahi variance jo humne pehle find kiya hai wahi aata hai ya wo nahi aata, right. so yahan par humne not put kiya, ye yt ho gaya, कोवेरियंस yt बिटवीन yt बन गया. हमने इसे कोवेरियंस के फॉर्मूले से ही ओपन किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yt माइनस k, ये एक्चुअली yt माइनस 0 होगा, k नहीं होगा, इसे आप 0 कर लें, एक्सपेक्टेड yt, ये जनरल फॉर्मूला हो गया. अब k की जगह आप 0 पुट कर दें, यहां भी k की जगह 0 पुट कर दें तो ये एक्सपेक्टेड yt है, दैट इज अल्टीमेटली 0, ये भी एक्सपेक्टेड yt * yt हो जाएगा. तो वो दोनों yt की टर्म पहले पुट कर दी और yt की टर्म फिर पुट कर, यानी ये दोनों टर्म सेम है बेसिकली, तो लेकिन उनको अलग अलग पुट कर दिया, उनका ओवरऑल स्क्वायर नहीं किया, उनको अलग अलग पुट कर दिया. इस टर्म को भी ओपन कर लिया, समीशन को ओपन, और दूसरी टर्म के समीशन को भी ओपन कर दिया. अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, कुछ स्क्वायर टर्म्स बनेंगी, जैसे थीटा नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जेड टी स्क्वायर बनेगा, कुछ क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स बनेंगी, राइट. सो काफी सारी टर्म्स बनेंगी जो के क्रॉस प्रोडक्ट होंगी और कुछ स्क्वायर टर्म्स होंगी, कुछ इस तरह की शक्ल आपके सामने आएगी, थीटा नॉट जेड टी स्क्वायर, थीटा वन स्क्वायर जेड टी एंड सो ऑन, जेड टी माइनस वन एंड सो ऑन, प्लस क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स. प्लीज ये थोड़ा सा आप नोटिस कर लीजिएगा, जेड टी माइनस वन हो यहाँ भी मिसिंग है तो आप इसे लगा लीजिएगा, प्लीज यहाँ पर पुट कर लीजिएगा, जेड टी थीटा वन स्क्वायर जेड टी माइनस वन. एक्सपेक्टेड वैल्यूज अप्लाई कर दें जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई की जेड टी स्क्वायर व्हिच इज अल्टीमेटली वेरियंस ऑफ सिग्मा जेड टी, वो इसकी जगह यहां पुट हो गया थीटा 1 जेड टी माइनस 1 अगेन सिग्मा स्क्वायर जेड,
सारी वैल्यूज इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट टर्म सारी ही जीरो हो जानी है क्योंकि zt into zt minus 1 यानी कोवेरियंस इसका जीरो होता है राइट right? तो वो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म सारी जीरो हो जानी है और ये जब आप सिग्मा स्क्वायर z को कॉमन लेंगे कॉमन आ गया ये सारा थीटा की सीरीज को आप समेशन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं तो ये जो गैमा नॉट बना है ये अल्टीमेटली वही वेरियंस का एक्सप्रेशन है जो आपने इससे पहले देखा है वेरियंस के लिए वही गैमा नॉट बना है।